हेलो दोस्तों, बिना मल्टीमीटर के ट्रांजिस्टर व आईसी कैसे चेक करें, आइए इस वीडियो में देखते हैं। 7805 आईसी को हम चेक करेंगे। इस बैटरी की सहायता से फर्स्ट पिन पर पॉजिटिव, सेकंड पिन पर नेगेटिव व थर्ड पिन पॉजिटिव आउटपुट के लिए। अब इस एलईडी की सहायता से हम इस आईसी को चेक करेंगे। एलईडी की नेगेटिव व आईसी की नेगेटिव सप्लाई एक साथ रखेंगे व आईसी की आउटपुट व इनपुट पॉजिटिव सप्लाई को बारी बारी से चेक करेंगे। आईसी की फर्स्ट पिन व थर्ड पिन पर एलईडी टच करने पर बराबर ग्लो हो रही है। अब हम सेम तरीके से यह दूसरी आईसी भी चेक करेंगे। अपना मल्टी यूजर एलईडी से अब इसे चेक करते हैं। आईसी की थर्ड पिन पर एलईडी इंडिकेटर को पॉजिटिव सप्लाई देने पर अगर कम ग्लो करती है तो यह आईसी सही है। अगर फर्स्ट पिन व थर्ड पिन पर पॉजिटिव सप्लाई देने पर एलईडी इंडिकेटर बराबर ग्लो करती है तो समझो कि यह आईसी खराब है। इंडिकेटर लगाकर अब इसे चेक कर लेते हैं। आईसी की थर्ड पिन पर इंडिकेटर की पॉजिटिव सप्लाई लगाने पर कम ग्लो कर रही है, वह फर्स्ट पिन पर लगाएंगे तो यह ज़्यादा ग्लो कर रही है, अतः यह आईसी हमारी बिल्कुल सही है। मल्टीमीटर ना होने व मल्टीमीटर के ख़राब होने की दशा में हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब एक पावर ट्रांजिस्टर 3055 को भी हम चेक करके देखते हैं। 3055 के बेस पर पॉजिटिव सप्लाई देकर एमीटर व कलेक्टर को चेक करते हैं। एमीटर व कलेक्टर पर एलईडी टच करने पर बराबर ग्लो कर रही है। अब एक अन्य 3055 ट्रांजिस्टर को भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे। इस ट्रांजिस्टर के एमीटर व कलेक्टर पर एलईडी टच करने पर ग्लो नहीं हो रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करना। यह ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल सही है, फिर भी हम इस पर एक बार सप्लाई चेंज कर देखते हैं। अब इसके बेस पर नेगेटिव सप्लाई देकर चेक करते हैं। बेस पर नेगेटिव सप्लाई देने पर एलईडी कलेक्टर के साथ टच करने पर ग्लो नहीं हो रही है, केवल एमीटर पर लगाने पर ही ग्लो हो रही है।